Click here to subscribe! बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्ना मेहमान आने वाला था। उनके घर के सामने एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली के सामने रपंजल के पौधे लगे हुए थे, पर वो हवेली जादूगरनी गौथल की थी। नहीं, पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नजर एक प्यारे से नन्हे बच्चे पर पड़ी। देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। खेलते हुए बच्चों को देखते देखते पत्नी की नजर रपंजल के पत्तों पर पड़ी। वाह, वो रपंजल के पत्ते कितने ताजे लग रहे हैं। काश मुझे खाने को मिल जाए। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी की ख्वाहिश सुनी, वो परेशान हो गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो महल जादूगरनी गोथल का है, वहां जाना नामुमकिन है। पति को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पत्नी को दूसरी स्वादिष्ट चीज खाने को दी, पर उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे वो पत्ते कैसे भी करके चाहिए। आखिरकार पति ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने की ठान ली। पति जादूगरनी के पास गया और उससे रपंजल के पत्तों के लिए किड़किड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे जाने को कह दिया। इसलिए पति ने जादूगरनी के महल से रपंजल के पत्ते चुराने की ठान ली। आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपंजल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े।
हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौतल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौतल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी। बहुत साल बीत चुके थे। अब रपंजल गौतल की निगरानी में पल रही थी। उसके बाल घने, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन गौतल रपंजल के बार सवारने में मदद कर रही थी, तभी वहाँ एक जादूगर प्रकट हुआ। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि गौतल के गुरु थे। गौतल, ध्यान से सुनो, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरे मीनार में रहने के लिए चलो। जादूगर अपने जादू से रपंजल और गौतल को एक ऊंची सी मीनार में ले गया। गौतल, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस मीनार का ठीक से ध्यान रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आप चिंता ना करें, मैं इस मीनार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौतल रपंजल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपंजल सोच में पड़ जाती है कि गौतल मीनार के बाहर कैसे जाएगी। रपंजल, मैं जैसे ही वापस लौटूंगी मैं तुम्हें नीचे से आवाज दूंगी, रपंजल रपंजल अपने बालों को नीचे छोड़ो और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना। ठीक है। मीनार में कैद रपंजल अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों की रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि गौतल मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, रपंजल रपंजल अपने बालों को नीचे छोड़ो। अगले दिन गौतल जब मीनार से जाती है, रपंजल अपने गाने में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपंजल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उस बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। राजकुमार को अपने सामने देखकर रपंजल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया, तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है।
सुनिए, आप इस रहस्यमय मीनार में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए कौथल को रखा है। उसने कौथल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ कौथल नहीं है, उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की। देखभाल की? और तुम्हें तुम्हारी माता पिता से छीन लिया था? हाँ, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार में आ जा सके, और इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के ले जाऊंगा। रपंजल को वादा करके राजकुमार मीनार से निकल जाता है, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कौथल ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। कौथल ने रपंजल को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से बेखबर कि कौथल ने रपंजल के साथ क्या किया है, राजकुमार रपंजल को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, रपंजल रपंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ के जाता है, वो कौथल को देखकर हैरान हो जाता है। आहा, तुम जिस रपंजल की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को कौथल ने मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ रपंजल की तलाश में लग गया। रपंजल की खोज करते करते जब वो रेगिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी राजकुमार को रपंजल का गाना सुनाई दिया जिसे वो अक्सर गाती थी। आखिरकार राजकुमार के सिपाहियों ने मीनार को तोड़ दिया, जिसका कौथल को ख्याल रखना था। रुक जाओ! कौथल ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। कौथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने अपने मीनार की ऐसी दुर्दशा देखी, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कौथल को दंड दिया और वहां से गायब हो गए। राजकुमार ने रपंजल को उसके माता पिता से मिला दिया और इसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज सुनते हैं एक प्यारी सी लड़की की कहानी, जिसका नाम था ब्यूटी। उसकी दो बहनें थी जो हमेशा झगड़ती रहती थी। ब्यूटी के पिता, जो कि एक व्यापारी थे, जब अपनी यात्रा से वापस आए तो सभी लड़कियों ने उनका प्यार से स्वागत किया। ये तोहफे तुम दोनों के लिए है मेरी प्यारी बच्चियों, और ये फूलों का गुलदस्ता ब्यूटी के लिए। धन्यवाद पिताजी। एक दिन व्यापारी किनारे पे खड़ा अपने जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था, पर समंदर की एक बड़ी सी लहर ने उसका जहाज डुबो दिया, जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। निराश व्यापारी अपने घर की ओर जा रहा था, पर अचानक से रास्ता भटक गया। चलते चलते
वो एक बड़े से महल के पास आ पहुंचा। महल का दरवाजा जादुई था, पर उसने व्यापारी को अंदर जाने की इजाजत दे दी और व्यापारी खुशी खुशी अंदर चला गया। व्यापारी दावत देखकर खुश हो गया था, पर वो दावत एक भूत, बिल्ली और चूहे ने बनवाई थी। ये देखकर व्यापारी डर गया। भागते भागते व्यापारी महल के मालिक बीस से टकरा गया। उसे घबराया देख बीस ने कहा, घबराए नहीं, आइए भोजन करते। बीस्ट असल में एक खूबसूरत राजकुमार था, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो इतना बदसूरत और डरावना हो गया था। एक सच्ची और गहरी दोस्ती ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। व्यापारी दूसरे दिन घर जाने के लिए महल से निकल रहा था। जाते जाते उसने प्यारे से गुलाब को हाथ लगाया, जिस वजह से बीस्ट उस पर आग बबूला हो गया। मेरे गुलाब को छूने की गुस्ताखी, जाओ अपने परिवार को अलविदा कहकर आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी बेटियों को बीस्ट की चेतावनी के बारे में बताया। सब डर गए, पर ब्यूटी सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी। ब्यूटी ने ठान लिया था कि बीस्ट का सामना वो अकेली ही करेगी, भले ही बीस्ट कितना भी डरावना क्यों ना हो। ब्यूटी जैसे ही महल पहुंची, उसने सबसे दोस्ती कर ली। पर बीस्ट ने उससे कोई बात नहीं की और गुस्से में वहां से निकल गया। आखिरकार ब्यूटी ने अपनी मासूमियत से बीस्ट का दिल जीत लिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। श्राप की वजह से बीस्ट की तबीयत एकाएक खराब हो गई थी, पर ब्यूटी ने उसकी अच्छे से देखभाल की। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्यूटी और बीस्ट की। एक समय की बात है, दूर देश में एक प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। जब वो उछल कूद करती थी, उसके सुनहरे घुंघराले बाल हवा में लहराते थे, इसलिए उसका नाम गोल्डीलॉक्स पड़ा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। इस फूल ने रात में अपनी पंखुड़ियां बंद कर ली
और मैं अंदर ही कैद हो गई। मुझे अभी जाना होगा। अलविदा। रुकिए, इतनी जल्दी ना जाइए। वापस आइए। गोल्डीलॉक्स परी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गई, पर उसे परी कहीं नहीं मिली। घने जंगल के उस पार भालुओं का एक छोटा सा घर था, जिसमें मामा बैर, पापा बैर और उनका नन्ना बेबी बैर रहते थे। नाश्ता तैयार है। मामा बैर ने सबके लिए बहुत स्वादिष्ट दलिया बनाया और सबको प्यार से परोसा। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये दलिया तो बहुत गर्म है, इसे मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। चलो मछली पकड़ते हैं, जब तक हम लौटेंगे ये गर्म दलिया ठंडी हो जाएगी। चलो चलते हैं। परी का पीछा करते करते गोल्डीलॉक्स जंगल में बसे भालुओं के घर आ पहुंची। क्यों ना मैं इस घर के अंदर जाकर थोड़ा पानी पी लूं? जैसे ही गोल्डीलॉक्स ने अपनी प्यास बुझाई, उसकी नजर पास रखी हुई तीन कटोरियों पर पड़ी और उन कटोरियों से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों ना मैं इसे थोड़ा चखकर देखूं? ये बहुत गर्म है। स्वादिष्ट और मजेदार दलिया मैंने कभी नहीं खाया। बहुत अच्छा। गोल्डीलॉक्स एक कमरे में पहुंची, जहां उसने तीन कुर्सियां देखी। उन कुर्सियों में से एक बहुत ही बड़ी, दूसरी छोटी और तीसरी बहुत ही छोटी थी। उस कमरे में खेलने के लिए एक झूला भी था। अरे नहीं, इस कुर्सी पर तो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। जाकर देखती हूँ। गोल्डीलॉक्स सीढ़ी चढ़कर एक खूबसूरत से कमरे में आ पहुंची, जिसमें तीन पलंग थे। एक काफी बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा बहुत ही छोटा था। अब आराम से सो सकती हूँ। पर क्यों ना पहले तस्वीर बना लूं? Mm-hmm.
वो पलंग छलांग लगाने के लिए सही है पर सोने के लिए नहीं। ये पलंग मेरे सोने के लिए सही है। गोल्डीलॉक्स इस बात से बेखबर कि तीनों भालू अपने घर लौट रहे हैं, वो छोटे से पलंग पर बेफिकर होकर सो रही थी। खुला दरवाजा देख तीनों भालुओं को शक हुआ कि उनके घर में कोई है और वे तुरंत अंदर चले आए। किसने हिम्मत की मेरा दलिया खाने की? अरे नहीं, किसी ने मेरा दलिया भी खाया है और किसी ने तो मेरा दलिया सफा चट कर दिया है। अब पापा बैर को यकीन हो गया था कि उनके घर में कोई चोर घुस आया है। किसकी हिम्मत हुई है करने की? किसने मेरे रंगों से छेड़खानी की है? ये सीढ़ी नीचे किसने की? क्यों ना हम सब ऊपर जाके देखें? जैसे ही तीनों भालू ऊपर के कमरे में पहुंचे, वे चौंक गए। ड्राइंग बोर्ड पर एक सुंदर तस्वीर बनी थी। जमीन पर सारे रंग फैले हुए थे और मम्मा और पापा भालुओं का बिस्तर बिखरा हुआ था। मम्मा, पापा, देखो कोई मेरे पलंग पर सोया है। घबराई डरी हुई गोल्डीलॉक्स पलंग पर से चीख कर उठी और वहां से भाग निकली। बेबी, उसे मत छोड़ना। उसे जाने नहीं देना। अरे नहीं, वो भाग रही है। ओ नहीं, कोई मेरी मदद करो। गोल्डीलॉक्स ने वापस कभी भालुओं के घर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो उस स्वादिष्ट दलिया को कभी भूल ना पाई। वो स्वादिष्ट दलिया आज भी मुझे याद है। उस हादसे के बाद गोल्डीलॉक्स अपने पसंदीदा फूलों के साथ खेलने अक्सर जंगल में आया करती थी। उसे फूलों की ताजा खुशबू और तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। चलो गाना सुनते हैं। गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। Sweat.
chair that was small, a chair that was tiny.